हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आज मैंने आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कम ऑन लेट्स गो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 162 आपसे ये बोल रहा है इन एन ई कोलाई ई कोलाई क्या होती है एक बैक्टीरिया होती है ई e. कोलाई अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ई e. कोलाई बैक्टीरिया होती है इन एंड इकोलाई तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं किलाई बैक्टीरिया के अंदर आपको बोल रहा है इन एंड इकोलाई आई जी गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैनोट बाइंड द इंडूसर मॉलिक्यूल बोल क्या रहा है कि आई जीन जो है वो म्यूटेट कर गया है आपने अगर बुक पढ़ा है तो आपको पता होगा एक मिनट बताती हूँ आपको लैक ओपेर में आईजीन पाया जाता है ये रहा आईजीन तो चलिए देखिए बोल कह रहा है इन एनी कोलाई आई जिन गेट्स म्यूटेटेड आई जिन जो है वो म्यूटेट हो चुका है म्यूटेट हो चुका है तो क्या कर रहा है म्यूटेट होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए हैं जब भी कोई जीन म्यूटेट होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जैसे अगर आपने वायरसेस के बारे में पढ़ा है तो वायरसेस का भी जो आर का जीन होता है वो बहुत फास्ट म्यूटेट करता है तो यहाँ पे भी आपको एक जीन के बारे में दिया हुआ है जो कि म्यूटेट कर चुका है तो चलिए देखते हैं म्यूटेट होने के बाद उसमें क्या रिजल्ट आया है एंड ई कोलाई आई जिन गेट्स म्यूटेटेड आई जिन म्यूटेट हो चुका है एंड इट्स प्रोडक्ट के नॉट बाइंड द इंड्यूसर मोलिक्यूल तो इसका जो प्रोडक्ट है वो बाइंड नहीं कर पा रहा है किसको इंड्यूसर मॉलिक्यूल को तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिगर के थ्रू अभी समझाऊंगी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वो कह रहे हैं हाँ म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैनॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इंड्यूसर मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर पा रहा है

तो वो क्या करता है कि इसको ट्रांसक्राइब करने की नहीं देता है जो रिप्रेसर एम आर होता है वो इसको बाइंड करता है इस लैकोपेरन को तो वो क्या करता है कि इस वाले एम को ट्रांसक्राइब नहीं करने देता है लेकिन जब जब ग्रोथ मीडियम में आपको दे रखा है जब ग्रोथ मीडियम में आपको लैक्टोज पाया जाता है तो जो इंड्यूसर मोलिक्यूल ये सॉरी इंड्यूसर कह रही हूँ कि जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है देखिए यहाँ पे अगेन एक बना दे रही हूँ एक मिनट ये आपका ऐसे तो यहाँ पे जो एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है जो लैक्टोज है या एलो लैक्टोज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंड्यूसर बोलते हैं तो ये जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है जब रिप्रेसर रिप्रेसर से बाइंड करता है इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स इंड्यूसर मॉलिक्यूल तो क्या करता है कि इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है जो ये जो रिप्रेसर रे, यहाँ मैंने बनाया है इसको इनएक्टिवेट कर देता है इनएक्टिवेट करने की वजह से ये जो आपका जेड वाई जीन है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन इसका हो जाता है ट्रांसलेशन हो जाता है ठीक है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हाँ ट्रांसक्रिप्शन इसका हो जाता है तो चलिए देखते हैं बोल कह रहा है अब मैंने आपको समझा दिया है कि लैक ऑपरन में एक जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो जेड वाई जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है बट इंड्यूसर जब आता है एंड इंड्यूसर जब इसको इनएक्टिवेट कर देता है रिप्रेसर मॉलिक्यूल को ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के प्रेजेंस में ये इनएक्टिवेट हो जाता है इनएक्टिवेट हो जाता है तो ये ट्रांसक्राइब हो पाता है ओके okay, एंड चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं इन एन ई कोलाई आई जीन गेट्स म्यूटेटेड देखिए बोल रहा है कि जो आई जीन है वो म्यूटेट हो चुका है एंड इट्स प्रोडक्ट नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल और इसका जो प्रोडक्ट है वो बाइंड नहीं कर पा रहा है इंड्यूसर मॉलिक्यूल को तो जब ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल को ये जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने बनाया था तो ये इसको बाइंड नहीं कर पा रहा है तो ये इनएक्टिवेट होगा ही नहीं आपका ये वाला जो डि... जो मैंने रिप्रेसर बनाया है ये इन जब तक ये इनएक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये कैसे ट्रांसक्राइब करेगा क्योंकि ये म्यूटेट हो चुका है इसलिए ये नहीं बाइंड कर पा रहा है इस वाले मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर पा रहा है इसलिए बाइंड नहीं कर पाने की वजह से ये इसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहा है तो हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखना है चलिए देखते हैं इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज वट विल बी द आउटकम लैक्टोज प्रोवाइड किया गया है जो ग्रोथ मीडियम लैक्टोज क्या है इंड्यूसर है एंड इंड्यूसर प्रोवाइड किया गया है बट जो जीन है वो म्यूटेट हो चुका है जीन म्यूटेट होने की वजह से ये इनएक्टिवेट कर ही नहीं पा रहा है उसको बाइंड ही नहीं कर रहा है तो इनएक्टिवेट होगा कैसे रिप्रेसर मॉलिक्यूल जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेस करके रखता है रिप्रेस करके रखता है तो ये ट्रांसक्राइब नहीं करने देता है फिर यहाँ पे इंड्यूसर मॉलिक्यूल आता है ये इसको बाइंड करता है तो ये इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है बट यहाँ पे आपका आई जीन म्यूटेट हो चुका है ये बाइंड ही नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा ये वाला कंडीशन आ जाएगा और फिर ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लेक्टोज वाट विल वी द आउटकम लैक्टोज दिया गया है इंड्यूसर इंड्यूसर ही आपका लैक्टोज है जो है वो इंड्यूसर है ठीक है वाट विल वी द आउटकम इंड्यूसर होने के बावजूद भी ये जो है म्यूटेट हो गया है इसलिए ये बाइंड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे साफ साफ लिखा है देख लीजिए देख लीजिए आप आई जिन गेट म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड इंड्यूसर को नहीं बाइंड कर पा रहा है तो इंड्यूसर को जब बाइंड ही नहीं कर पा रहा है तो ये इनएक्टिवेट तो होगा ही नहीं इनएक्टिवेट जब नहीं होगा तो जेड वाई ए जिन को ट्रांसक्राइब करेगा कैसे तो चलिए इस ऑप्शन को टिकआउट करते हैं जेड वाई ए जिन विल बी ट्रांसक्राइब्ड विल बी ट्रांसक्राइब्ड होगा ही नहीं जेड वाई ए जिन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड यस ये वाला होगा आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड द प्रोमोटर रीजन आर एन ए पॉलीमरेज ये तो इससे कहीं मैच ही नहीं करता है वनली जेड जेड जीन विल बी ट्रांसक्राइब ऐसा तो नहीं है जेड जीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इन होगा ही नहीं तो करेगा कैसे तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा ये वाला आपका हो जाएगा विल नॉट बी ट्रांसलेटेड एंड आपका देख लीजिए हाँ जो जेड वाई ये जिन है जेड वाई ए जिन है एक जेड वाई ये है आपका वाई से फर्मिज ए से ट्रांस एसिटाइलेस जेड से बीटा कलेक्टोसाइडिस तो यहाँ पे तीनों का मैंने बता दिया आपको यहाँ पे ये यह क्वेश्चन टू टू नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये यह क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया गलती नहीं कीजिएगा एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए रिप्रेसर के प्रेजेंस से रिप्रेसर के प्रेजेंस से ये बाइंड करता है तो ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है बट इंड्यूसर जब आता है जैसे कि लैक्टोज आता है तो ये इसको रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है इनएक्टिवेट करने की वजह से ये क्या होता है कि ट्रांसक्राइब हो पाता है ट्रांसलेट हो पाता है जेड वाई जीन ट्रांसलेट हो पाता है लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आई जीन जो है वो म्यूटेट हो चुका है म्यूटेट होने की वजह से ये बाइंड ही नहीं कर पा रहा है रिप्रेसर को बाइंड नहीं कर पा रहा है तो यही केस आ गया ना जेड वाई ए जीन नहीं ट्रांसक्राइब हो पाएगा नहीं ट्रांसलेट हो पाएगा तो यहाँ पर दे रखा है जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मिलते हैं अगले क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय